निकल लो धर्मन भाई, ठीक है जल्दी आओ। अरे थोड़ा सा आइए, ठंडा ठंडा है। अरे तो कोई बात, ठंडा है। कपड़ा तो इन लोगों के कपड़ा तो उसी का था, कपड़ा इनका थोड़े उसी का पेड़ के पास लगवा दीजिए आराम से, स्कूल करवा देना। और ये ऐसा है, दो लोग करा देने वाले कप्तान का बारे में। आज जुमे की नमाज़ है, किस तरीके से क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? देखिए, जुमे की नमाज को लेकर जो संवेदनशीलता पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी के दृष्टिगत मेरे और कप्तान साहब द्वारा कल भी भ्रमण किया गया था। कई जगह, कई स्थानों पे हम लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर फ्लैग मार्च भी किया है। लोगों को शांति और व्यवस्था सुनिश्चित कराया हेतु अपील भी करी गई है और लोगों को सुरक्षा का एक आभास भी कराया है। उसी के क्रम में जो अति संवेदनशील स्थल जो माने जा रहे हैं, जो उसके उन स्थलों पर हमने मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और सीओस की ड्यूटीज़ लगाई हैं। उस स्थलों पर कुछ स्थलों पर मेरे और कप्तान साहब द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित रहकर भी यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सभी चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। और कल हम लोगों ने इसके संबंध में जो धर्म गुरु हैं उनके साथ वार्ता भी करी थी और सभी मस्जिदों के धर्म गुरुओं के पास जा कर भी हम लोगों ने उनसे अपील करी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज जुमे की नमाज़ को हम लोग कौन सी मस्जिद है ये जो हमारी जामा मस्जिद जो शहर की है, हम लोग वहाँ पर आज उपस्थित हैं।